कार्टोनिक पॉलिएस्टर के बारे में बता रहे हैं। कार्टोनिक पॉलिएस्टर जो होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। कार्टोनिक पॉलिएस्टर ऐसा पॉलिएस्टर होता है जिसमें अपना डाई करते हैं ना, कलर करते हो, कलर नहीं पकड़ता, उसका अलग टाइप का हिसाब किताब रहता है। और हम अगर वर्जिन पॉलिएस्टर कार्टोनिक कुम्भन नायल मिला जुला के धागा बनाते है ना, तो उसमें कैसा होता है देखो, उसका जो धागे का क्वालिटी जो होता है जब कपड़ा बन जाता है वो जैसे बिल्ली का कलर रहता है ना, इसके मतलब अलग अलग छाप जैसा रहता है, ब्लैक रहेगा, व्हाइट रहेगा, ऐसे तीन प्रकार के कलर आएगा। और इसको अपन कभी कभी ऐसे हिंदी में बोलते हैं बिल्ली छाप कपड़ा बोलते हैं। वो उसका डिजाइन अलग रहता है, वो नीटिंग के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं। और सबसे पहले देखिए उसमें क्या रहता है, वर्जिन पॉलिएस्टर अपन लिए 1.2 डेलियर 38 mm, वर्जिन पॉलिएस्टर 55% लिए, और कार्टोनिक पॉलिएस्टर उतना डेलियर का उतना लेंथ का 1.2 डेलियर 38 mm का 15% लिए, और कुंभन नायल 30% लिए। इसका मतलब हो गया देखो 70-30 पीसी हो गया, समझ लो 70-30 पीसी ब्लेड हो गया। तो उसमें लेने से पहले देखो एक बार बता दू, एलबी 40.005 लिए, वाटर 3% लिए, और इसमें वाटर इसीलिए थोड़ा ज्यादा दिए क्योंकि इसमें कुंभन का नायल डाल रहे हैं, उसमें अच्छा मिक्सअप करने के लिए लेते हैं। और वो मिक्सिंग देखो वही 100 किलो का सिस्टम लेना, 100 किलो का जो सिस्टम है ना, एक लेयर में 100 kg लेयर का, जैसे अपन मिलान में पढ़ाया था ना, 100 kg लेयर का हिसाब से लेना। 15 kg अपना लिए कार्टोनिक पॉलिएस्टर, 55 kg लिए वर्जिन पॉलिएस्टर, और यहाँ 30 के जगह 31 kg, मतलब 1 kg एक्स्ट्रा लिए, 1 kg एक्स्ट्रा लिए ये अपना ब्लेंड बिठाने के लिए, क्योंकि अगर 31% नायल लेंगे तो अपना जो प्रोसेस में नायल सर्फाई पर मतलब गिर जाएगा और लॉसेस होगा, इनविजिबल लॉस भी हो जाएगा, 1% का मतलब 1 kg करीब इसका घट जाएगा, और उसमें फिर अपना ब्लेंड जो 70-30 का बराबर आ जाएगा। और हर 100 kg का लेयरिंग करके हर लेयर में पानी वगैरह मारना है। और सबसे बढ़िया चीज ध्यान रखना, ये जो कार्टोनिक पॉलिएस्टर ये वर्जिन पॉलिएस्टर नायल का मिक्सिंग लगाएंगे, ये अपने लिए कार्टोनिक पॉलिएस्टर नायल दोनों मतलब दूसरा प्रोसेस के लिए जहर जैसा, तो इसीलिए कार्टोनिक पॉलिएस्टर नायल जहां मिक्स करके मिक्सिंग लगाते हैं इसको टिंट जरूर डलवा देते हैं। टिंट मतलब आप पीला कलर ले लो, स्कारलेट ले लो, और कोई भी कलर का टिंट स्प्रे कर देना, ताकि वो उसका वेस्ट वगैरह भी या सॉफ्ट वेस्ट भी कहीं मिक्स होगा वो मालूम पड़ेगा। नहीं तो कार्टोनिक पॉलिएस्टर का अगर वेस्ट किसी दूसरा फाइबर में मिक्स हो गया, दूसरा मिक्सिंग में मिक्स हो गया, तो इसको छाटना बड़ी मुश्किल है, खाली आंख में आपको दिखेगा नहीं, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, और वो लड पूरा खराब कर देगा। तो इसमें टिंट जरूर ऐड कीजिएगा, टिंट नहीं करेंगे तो दिक्कत जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपना मिक्सिंग का बात कर लिए थे, जैसे अपना मिक्सिंग अपना कम्प्लीट हो जाएगा ना 100 kg का लेयरिंग में, उसके बाद दो बार इसमें ब्लेंडर टपलिंग कर देने का, ताकि होमोजेनस मिक्सिंग हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये जैसे तीन प्रकार की फाइबर है ना, उसमें यूनिमिक्स जरूर लाइन पे लेने का, यूनिमिक्स जो होता है ब्लोरूम का जरूर प्रोसेस में लेने का, यूनिमिक्स प्रोसेस में लेंगे होमोजेनियस मिक्सिंग होगा, तब जाके आप आगे उसको बढ़िया से प्रोसेस कर पाओगे। और सबसे बढ़िया देखो बिटर स्पीड जनरली हम इसमें थोड़ा सा कम रखते, 760 आरपीएम का रखे हुए, और कारिंग का सिलेंडर स्पीड भी 460 तक बढ़िया है,
लेकिन स्पीड भी देखो अपन कम रखे 950 आरपीएम रखे और ब्लोर ऑल ग्रिड बार पॉइंट सेट और वन। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ग्रिड बार अपन जनरली कटन वगैरह में या सिंथेटिक भी चलाते तीन चार में सेट करते, लेकिन इस केस में अपन ग्रिड बार वन पे रखे। वन मतलब बिल्कुल क्लोज के बराबर इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें जो कुंभर नायल डाले वो नीचे गिर के चला ना जाए, मतलब बीटर का नीचे ना चला जाए, इसलिए अपन वन पे रखते हैं। और फ्लैट गेट देखो 24 24 24 22 22 रखे, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपना फ्लैट गेज अगर अपन जैसे नॉर्मल पनिस्टर या कटन के लिए जैसे रखते हैं 10 12 रखती है 8 10 रखती है तो कुंभर का नायल सारी फ्लैट वोस्ट में चला जाएगा, इसीलिए फ्लैट गेज भी देखो 24 24 24 22 22 रखे। फ्लैट गेज उठा के रखे मतलब ताकि कुंभर के जो नायल जो है फ्लैट वोस्ट में नहीं निकल जाए। और देखो फीड प्लेट टू लिक्विड अपन 28 थाउ रखे और डिलीवर स्पीड देखो यहाँ 70 एमपीएम रखे, डिलीवर स्पीड बिल्कुल कम से कम कर रखे ताकि जो कुंभर का नायल डाले ना वो नेप्स बन जाता है, नेप्स बनने के बाद हम नेपी आम जैसा बनेगा तो डिलीवर स्पीड ज्यादा रखेंगे तो वो ब्रेकेज करेगा काड़ी में और काड़ी में वर्किंग खराब करने का मतलब वो पूरा आगे भी खराब करेगा। स्टेशनरी फ्लैट की गेज देखो वो भी थोड़ा वाइड साइड में 26 26 रखा हुआ ताकि स्टेशनरी फ्लैट में भी वो फ्लैट वेस्ट नोच के ना ले ले, मतलब फ्लैट वेस्ट जाने देना प्रोसेस में। और ये है काड़ी ब्लोरूम का सेटिंग है। और फिर से बोल रहा हूँ यूनिमिक्स जरूर चालू रखेगा, यूनिमिक्स चालू रखोगे तो होमोजेनियस मिक्सिंग होगा, ब्लेड में फर्क नहीं आएगा, क्वालिटी बराबर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अपन कैटोनिक पॉलिएस्टर कुंभर नायल के बारे में बता रहा है। और बेकर ड्रिंक में देखिए 38 mm का फाइबर है तो 46 50 का गेज बेस्ट है, 46 का आगे का 50 50 mm। और ब्रेक ड्राफ्ट देखो 1.51 ले हुए क्योंकि इसमें सर फाइबर 30% है, कुंभर का नायल है। डिलीवर स्पीड देखो 250 mpm है, उससे ज्यादा नहीं चलाना। राफ्टिंग पॉइंट 115 ठीक है। अपन ये जो कैटोनिक पॉलिएस्टर का बनाएंगे ना इसका अपन 24 काउंट बनाएंगे, इसीलिए अपन जाता है इसका ये नहीं रखे, राफ्टिंग पॉइंट साइड लेके 115 रखे। उसके बाद देखो फिनिशर का ऐसे बटन रोल के 2 mm कर दीजिए कम, 44 48 mm का है। और ब्रेक ड्राफ्ट है 1.41 है और डिलीवर स्पीड देखो 400 mpm है, राफ्टिंग पॉइंट 115। और ये प्रोसेस जब चलता रहेगा ना आप एक चीज ध्यान रखना, ये प्रोसेस जब आपकी खत्म हो जाएगा इसका सब ट्वेस्ट वगैरह इसको बिल्कुल अलग से रखना, सेग्रीगेट करके रखना और प्रोसेस पूरा लट फाइनल हो जाएगा, वेस्ट सब इकट्ठा बांध बुद के वजन करके उसका पर्ची दे के स्टोर में जमा कर दीजिएगा क्योंकि खत्म अगर वेस्ट पड़ा रहेगा इधर उधर और अपना नॉर्मल मिक्सिंग में नॉर्मल मटेरियल में मिक्सअप हो जाएगा और वो दिक्कत जाएगा। और ये प्रोसेस खाली होगा हर मशीन ड्रफ्टिंग जोन क्लीनिंग करके रिंजिंग करके बढ़िया से सफाई करके फिर नॉर्मल मटेरियल लड़ेगा, ये दो चीज बहुत ध्यान रखना नहीं तो फिर धोखे में रह जाओगे आप, मतलब क्वालिटी में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा आगे का लट में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अपना सिंपलेस में जा रहे हैं, अपन 24 काउंट बनानी है। और देखो प्लायर स्पीड अपन लिए 650 rpm का और रैपिंग और रोबिंग 1.05 थोड़ा फाइन साइड रखे क्योंकि इसमें लेफ्ट जैसा रहेगा नल का ये, उसमें अगर फाइन साइड रखेंगे थोड़ा वर्किंग सही रहेगा सिंपलेस में, नहीं तो गुठली जैसा पास करेगा ब्रेकेज ज्यादा होगा। और टीएम देखो 1.02 रखे और टिप्पे देखो 1.04 ये, इसीलिए थोड़ा पॉलिएस्टर हिसाब से पीसी के हिसाब से ज्यादा रखे। और कुंभर नायल जो 30% डाले वो लेंथ उसका रहता है 17 18 mm रहता है, वो इसमें कोई स्ट्रेंथ मिलने वाला नहीं, इसीलिए टीएम इतना रखे। और इसका देखना हाफ ली भी अपना 40 तक रख लेना, 40 तक रख लेंगे बढ़िया रहेगा, 40 से ज्यादा से ज्यादा 45 तक। और वो सिंपलेस बटन रोल गेज देखो 48 72 mm रखे और
और स्पेसर 6.5 mm रखे। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे सिंपलेस चालू रहेगा ना तो उसमें गुठली जैसा दिखना चाहिए, मतलब गांठ जैसा पास होना चाहिए, तब आप मालूम पड़ेगा कि नायल इसका अंदर जा रहा है। मतलब उसका मेन फैंसी यान वही होता है जो जो अपना इफेक्ट चाहिए वो दिखे, ठीक है। उसके बाद देखो रिंग फ्रेम में एवरेज स्पिंडल स्पीड अपन 15,000 रखे, ये नॉर्मल स्पिंडल स्पीड जैसे 17,000 रहता है पीसी में ना, इसमें कम रहेगा, 15,000 ही रहेगा, क्योंकि अपन कुंभर का नायल जो डाले वो घंटे घंटे धागा आएगा, ब्रेकेज करेगा। और टीएम देखो 3.6 रखे, रैपिंग 23.5 है और टीपीआई 17.4 है। स्पेसर रखे अपन 4.5 का, स्पेसर थोड़ा वाइड साइड रखे। और रिंग ट्रैवल पीसी का जैसे नॉर्मल धागा में यूज करते हैं उसी हिसाब से 70-30 ब्लेड के हिसाब से पीसी में जैसे डालते ऐसे ही डालने का। और ये अपना यहाँ तक हो गया रिंग फ्रेम का। एक चीज फिर ध्यान कर देता हूँ, ये मटेरियल जब आप ऑटोकॉन में चलाओगे, ऑटोकॉन में चलाने के बाद उसमें क्या करना, नेप्स का सेटिंग बिल्कुल ओपन कर देना, मतलब 6.5-7 तक नेप्स का कट बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए डिस्प्ले में। नेप्स जितना पास होगा उतना बढ़िया है, इसमें आईपीएस जितना अच्छा ज्यादा आएगा उतना बढ़िया क्वालिटी माना जाता है। और ये जो मटेरियल जैसे खत्म हो जाएगा, और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे अपना ड्राइंग का क्या, कार्डिंग का क्या, फिनिशर ड्राइंग का क्या, अंदर से स्प्रिंग हटा के बढ़िया से सफाई करके रखने का, नहीं तो फिर ये मटेरियल के बाद कोई नॉर्मल मटेरियल चालू कर दिया सारी वो मटेरियल खराब हो जाएगा, ये कार्टोनिक पॉलिएस्टर जहां जहां मिक्स होकर चला जाएगा वो सब खराब करेगा। तो साफ सफाई का खास करके ध्यान देने का, ये मटेरियल चलने के बाद हर जगह मिट्रेंस क्लीनिंग, ड्रॉप जोन क्लीनिंग करके, रेंजिंग करके हर जगह मटेरियल लेने का। और कार्टोनिक पॉलिएस्टर का सब्जेक्ट आपको कैसा लगा आप प्लीज मेरे को यूट्यूब में कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।